कमेंट बॉक्स में लिखिए ठोक डालो। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हर माँ डर रही है जिसका बेटा तैनात है जम्मू कश्मीर में उसका फ़ोन उठाने से। आपको बता दें कि 44 जवान शहीद हो गए हैं और यह आंकड़ा बढ़ने वाला है। ऐसे में कहा जा सकता है ना आज मोदी जी सोएंगे, ना धोनी सोएगा, ना पूरा देश सोएगा, क्योंकि आज हर एक की आंखों में आंसू है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो तैनात हैं जवान हमारे, जो अधिकारी हमारे, उन सब के घरों में तो सांसें अटक सी गई हैं कि पता नहीं कब फ़ोन की घंटी बजे और खबर ये आए कि अब लौट के भी नहीं आएगी शरीर या बॉडी। क्योंकि आपको बता दें कि जो ब्लास्ट हुआ है वो इतना खतरनाक था कि शरीर और जिस्म के चीथड़े चीथड़े उड़ गए हैं। अब देखना यह है कि देश पे हुए सबसे बड़े हमले पर सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अब आग में जल रहा है हर एक भारतीय। भले ही उसकी आंखों में आंसू है लेकिन दिल में अब जोश है और जज्बा है बस इंतकाम का। तो कहा जा सकता है कि अब लेना होगा बड़ा फैसला सरकार को, क्योंकि अब लेना है एक ऐसा कड़ा कदम जिससे पाकिस्तान न केवल सबक सीखे बल्कि खून का बदला खून होगा।